विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छावड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसायगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने कल कहा था कि जो व्यक्ति ना तो दान करता है, ना पूजा करता है, ना चारित्र का पालन करता है, ना सील का पालन करता है, ना किसी प्रकार के गुण हैं। गुण मतलब सुगुण, गुण तो सब में होते हैं। कुछ लोग सर्वगुण संपन्न होते हैं पर वो गुण नहीं कहलाते हैं। सर्वगुण संपन्न कहें समझो दुर्गुणों से भरा हुआ है। क्या कहते हैं? कोई कहता है सर्वगुण संपन्न मतलब दुर्गुण भरा हुआ है। एक व्यवहारिक भाषा में उसकी बुराई भी हो जाए और बुराई भी ना हो, दोनों काम हो जाते हैं। ज्ञानी लोग समझदार होते हैं। तो कहने का अर्थ ऐसा जो व्यक्ति होता है, भले वर्तमान में मनुष्य पर्याय जैन कुल उत्तम कुल सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन आगामी भाव में वह व्यक्ति क्या होता है? कुमानुष। कुमानुष ने खोटा मानुष, निकृष्ट कुल में जाता है, अथवा तिरंच होता है, अथवा फिर और गति अशुभ हो जाए तो नरक गति। सबसे ज़्यादा कष्ट यदि हैं तो नरक गति में हैं। कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा? कम से कम 10,000 वर्ष तक तो, ध्यान रखना, मिनिमम से मिनिमम 10,000 वर्ष तक तो कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। और थोड़ा सा यदि पुण्य कर लिया, थोड़ा सा हमने धर्म कर लिया, थोड़ा सा हमने सतीगति को प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग गति चलेगा, तो कम से कम 10,000 वर्ष तो मिलेगा। कितने वर्ष तक? 10,000 कम से कम। सुख मिलेगा कम से कम पुण्यों से तो 10,000 वर्ष, और दुख मिलेगा तो 10,000 वर्ष कम से कम है। तो इसलिए अब क्या करना है हमारे ऊपर निर्भर है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए। जो मिथ्या दृष्टि है वो क्या करता है, अथवा यूँ कहें जो सम्यक से उन्मुख है वो क्या करता है, उसके लिए एक गाथा पन्ने का लो, प्रपंच चर्चा करते हैं। जल्दी से अपने अपने पास ले लो पुस्तकें, फाइल हो फाइल। बहुत सुंदर गाथा हमारे आचार्य महाराज दे रहे हैं। निकाल लें 40 नंबर श्लोक। थोड़ी आवाज कम करो, अब सीटी ने बजाया बस। हाँ बस निकाल लिया सबने? 40 नंबर निकाल लिया आपने? निकाल लिया सबने? निकाला, सभी लोग निकाल लो। रवि जाड़ई कच्चम कज्जम, कज्जम कज्जम नहीं बोलना, रवि जाड़ई कज्जम कज्जम, सेम सेम पुण्य पापमी, तच्चम तच्चम धम्म धम्मम, सो सम्य उम्मुको। सभी लोग पढ़ेंगे, सरल है था। सम्यक दर्शन से कौन उन्मुक्त है? अब थोड़ा सा अपने आप से, अपन ने कल श्रोता के लक्षण देखते, परसों शायद कि श्रोता किस प्रकार अपने लक्षण दिया था, कैसा है, फूटा खड़ा है कि भैंसा है कि सांप है कि बगुला है, डांस है, जोंक है, आदि आदि कैसा है। तो अपने ऊपर अपने आप परीक्षा करो कि हम कैसे हैं, किस प्रकार की हमारी धारणा है। बहुत कुछ तो अपन को खैर पता नहीं चलता, बहुत कुछ पता चल भी जाता है, पर सत्य यह है वर्तमान में पंचम काल में
बहुत सारे लोग गलत करते हुए भी गलत को स्वीकार नहीं कर पाते, ये विषय ध्यान रखना। अच्छा मानते, जैसे उदाहरण के लिए कोई शराब पी रहा है, एक दृष्टांत है, शराब पीने वाला बहुत सारे लोग कहते हैं शराब क्या है, बनी काय के लिए है। मांस खाने वाले भी कभी कभी स्वीकार करते हैं, क्या गलत कर रहा हूं, किसके लिए बने हैं। यदि हम लोग मांस ना खाएं तो जानवर जानवर दिखेंगे, मनुष्य कम दिखेंगे, ऐसी धारणा भाई साहब मांस खाने वालों की, बकरा मुर्गा ये सब मछली यही दिखेंगे बोले संसार में। हम लोग तो तुम लोगों को उपकार कर रहे हैं, किसका, हाँ तुम्हें रहने के लिए मौका मिल रहा है, नहीं तो वही घूमेंगे। ऐसी मिथ्या धारणा अज्ञानियों की, मिथ्या दृष्टियों की बनी हुई है। इसलिए आचार्य महाराज के क्या करना है, कज्जम कज्जम, कार्य अकार्य क्या है इसको जो नहीं जानता, क्या हमें करना है। सुबह से लोग नाश्ता मोबाइल पता नहीं क्या क्या में लग जाते, पूजा करना नहीं कोई मतलब नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना मतलब नहीं। सोना तो अलग विषय, किसी ने पूछा कल हर्ष में आ रहा था, कल की बात है शायद, तो कहा बोले बोले महाराज 10 बजे तक उठ जाए तो बहुत समझो पुण्य है। ऐसी धारण बताओ, ऐसे 10 बजे तक उठ जाए, मतलब 11 बजे पहले नहीं उठता, उसने स्वीकार किया। फिर बोले महाराज हाँ 10 बजे तक तो लगभग लगभग उठ जाता हूँ। अच्छा सज्जन है, ज्ञानी भी है, कहते अपन ज्ञानी, कथनचे थोड़ा गुरु भक्ति भी है, सेवा भैयावती में भी आता कभी कभी, पर 9 बजे उठ रहा, 10 बजे उठ रहा, ये क्या है, भूत राक्षस। जैन कुल में पैदा होने वाला, देव शास्त्र गुरु का समागम मिलने वाला भी यदि 8-9 बजे रात सुबह उठता है सोके, समझ लो बिल्कुल जीता जागता भूत है, राक्षस। क्या माता देखना अपने अपने घरों में जो सोता हो, बोले महाराज क्या करे उठता ही नहीं है, पानी का पानी डाल दो, चिल्ला दो, खुपका बेल लगा दो, फिर भी नहीं उठता, क्या नहीं सुनता ही नहीं है, सुनकर ही मेरी अनसुनी कर देता है। 8-9 बजे तुम्हारे बच्चे उठे, मुझे अच्छे से याद है, रजाई उड़ते तो रजाई, चादर उड़ते तो चादर दी, सुबह हो गया टाइम चाय बन गई तो चादर खींच लिया जाता तो रजाई खींच लिया जाती, उठ मार के उठाते नहीं तो क्या अच्छे से आज मतलब तो कहते ही नहीं कुछ, उन्होंने तो सोचते रहे बेटा मंदिर जा रहे हूं, मैं तो मंदिर जा रही हूं। आठ भाई क्या करना है क्या नहीं करना, तुमने ज्ञान कराए नहीं, होश ही नहीं, दिमाग नहीं, विवेक नहीं दिया, विवेक कराओ, ज्ञान दो। कई बार ज्ञान देने से भी ज्ञान मिलता है, समझो ज्ञान नहीं दे सकते हम, किसी को कुछ नहीं कर सकते, महाराज हम क्या करें, आज के बच्चे बच्ची मानते नहीं है, नहीं मानते हैं, आपने मनाया नहीं है, आपने समझाया नहीं है। और सत बात यह है, सत्य तो है, कुछ तो माता पिता की खुद की कमी है, जो माता पिता बच्चों के अनुसार चल रहे हैं, क्या कुछ कमी माता पिता की है। पहले मार पड़ती थी धीरे से, और धीरे से नहीं, कई बार डंडा, आग में चूल्हे में रोटी बनती थी, चूल्हे में भाई साहब, कौन से चूल्हे में, लकड़ी वाले चूल्हे में, तो माताएं मुझे अच्छे से सीन तक याद है वो अभी भी, जैसे कुछ नाटक करो उसको गुंडे में लूघर बोलते, अध जली लकड़ी को, मतलब जलती हुई लकड़ी को लूघर बोलते हैं, उठा के मार दो ऐसे, पास तक ले आते थे कई बार। वो एक बार किसी को मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पिता ने अपने पुत्र को कोई गलत काम कर दिया, वो जो कुछ किया बड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, मुझे ध्यान नहीं कुछ पिया उसने, विश्वास करना पिता ने उसको कुएं में डाल दिया था, ऐसा पकड़ के गिराए नहीं, तुमने गिरा दिया, मतलब इतना डराते थे, कांपते थे पिता को देख करके पुत्र कोई गलती कर ले, मास्टर को देखते पीछे से घबराते थे। आज तो माता पिता को बच्चे आंख दिखाते हैं, महाराज मानते ही नहीं है। मैं कहता हूं मनाया नहीं तुमने, शुरू से आदत डालो। एक बच्चा यहां आता है मेरे पास, आज लगभग उसकी उम्र 20-22-24 साल की हो गई, आज भी मार खाता है, डरता है माता पिता से, कांपता है, आज भी मार पड़ती है उसको, बोले मम्मी मारती है, मैंने नहीं मानना चाहिए वैसे, मैंने क्या है दबी पर मारती है, डरता है वो, कांप रहा है आज, बोले मम्मी के बिना नहीं कर सकता मैं, पापा के बिना कुछ नहीं कर सकता। अच्छी बात है, कम से कम माता पिता ध्यान तो रख रहे हैं, चाहते भी है, प्यार भी करते हैं, क्योंकि परम सत्य है, जो माता पिता मारेंगे बच्चों को समझो प्यार कर रहे हैं, वो जो माता पिता डांटते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, समझ लो माता पिता का प्यार समाप्त हो गया है। डांटना बुरा नहीं है, मारना बुरा नहीं है, ध्यान रखो माताओं, तुमने डांटना मारना बंद कर दिया इसका मतलब तुम्हारे अंदर से प्यार खत्म हो गया। वही माता पिता डांटते थे, वही माता पिता मारते थे जो बच्चों को जान से ज्यादा चाहते थे, आज तुम चाहती नहीं उतनी, इसलिए डांटना बंद कर दिया। बच्चे को बच्चे कहते हैं हमारी मम्मी हमारी बात, बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते,
हमारे सुनते ही नहीं है, नहीं सुना उनको, बोला बेटा चलो अभिषेक करने चलना है, पूजा करने चलना है, दस लक्षण महापर्व है, कुछ भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं पता कर लो घर में, कई बच्चों का दस लक्षण में भी बाजार के वस्तु की सामग्री का त्याग नहीं होगा। अब सामग्री खा रहे होंगे, आठ आठ नौ बजे सो के उठेंगे, कुछ ऐसे ही बच्चे, कल एक बच्चा आया था मेरे पास युवा, बोले महाराज आज से परसों सुबह तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, यही भिंडी की घटना है, युवा घर गृहस्थी में है, शादीशुदा भी है क्या, बोले महाराज आज से कल शाम को मैंने देखा उसका चेहरा में ब्रह्मचारी हो, कोई त्यागी हो सकता है कुछ, बोले नहीं घर गृहस्थी में हूं, बढ़िया बात है, मतलब कल शाम से ही, ऐसे नहीं कि कल चौदह आज तुम्हारा व्रत थोड़ी रहेगा, संयम थोड़ी रहेगा, तो खाएंगे पिएंगे मड़ियास करेंगे मजा लूटेंगे, नहीं, बोले महाराज शाम को छः बजे करीब आया था, पौने छः बजे ध्यान समय नहीं पहा, लगभग साढ़े पाँच छः बजे, बोले महाराज हमारा आज से परसों सुबह तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी, मुझे बड़ा खुश हुआ, मैंने देखो एक व्यक्ति ऐसा है जो गुरु चरण में आकर के चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर रहा है, वो एक ऐसा भी है जो विश्वास कर रात में भी खा पी रहा है, चौदस को भी ऐसे भी लोग रहेंगे जो त्याग नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी लोग हैं पांच पांच दिन का उपवास करते हैं, ऐसे भी लोग मेरी दृष्टि में दस दस उपवास किए हैं और कर रहे हैं भी, आप रास्ता में जाओ सोलह सोलह उपवास करने वाले हैं भाई साहब, अशोक महामारी से कहो नाश्ता त्याग कर दो, ये नहीं हो सकता, नाश्ता भी त्याग नहीं कर, दस लक्षण में पूजा करने के बाद पहले भगवान की पूजा, चलो अच्छा है कम से कम भगवान की पूजा कर रहे हैं, देख लेना यहां नहीं वहां नहीं करेंगे, नाम लिखा दे सिविल सब व्यवस्था करेंगे, पर करेंगे यही भगवान का पूजा, क्यों, बोले महाराज पांच मिनट में आ रहा हूं, पुष्पा याद कर रही, पुष्पा याद नहीं कर रही, वो नाश्ता याद कर रहा हूं, पेट में खुजली मच रही, ऐसे भी लोग होंगे, क्या बताएं, खाने के लिए जी रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग खाने के लिए बने हैं, आदत बना ली, बिल्कुल इतना गड्ढा बना लिया, इतनी आदत बना ली, दिन भर चरना चरना चरना, खाना पीना दिन भर, अरे भैया खाने पीने तो किसी पर्याय में हो सकता है, ये पर्याय तो धर्म के लिए मिली है, धर्म करो, क्या कार्य है, क्या कार्य विवेक रखो, खाने में अपना समय बर्बाद मत करो, सोने में समय बर्बाद मत करो, किसी भी पर्याय में खा पी सकते हैं, जितना त्याग कर सको कर लो, नहीं तो फिर नरकों में कुछ नहीं मिलेगा, तीन लोग को ना जुखाए, मिटे ना भूख कड़े ना लहाए, सिंधु नीर ते प्यास ना जाए तो पर एक ना बूंद लहाए, और ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते निर्गति रहे, ये बात की बात है, नरक में भी मनुष्यगति में आएंगे जब, तीन लोग को अनाज मिल जाए खाने के लिए तो भूख नहीं मिटती, सुना है त्रिलोक सार में लिखा है आचार्य नेमीचंद स्वामी ने, वहां की भयंकर दुर्गंध युक्त नार की मिट्टी खाते हैं और भूख पर्याप्त नहीं मिल पाती, थोड़ी सी मिलती है खा लेते बस, भूख तो नहीं मिटती, पानी पीते हैं क्या पानी नहीं मिलता वहां, तो नदी है वैतरण नदी, वहां नदी का पानी पीने के लिए जाते हैं, उसमें गिरते हैं, जैसे ही गिरते हैं तो ऐसा जैसे अपने हाथ में कटा हुआ हो, उसमें नमक मिर्ची छिड़क दी जाए तो भयंकर वेदना होती है, ऐसे नरकों उस वैतरण नदी के जो खून पीप कृम कुल कलत देह दाहिनी, क्या क्रिम कुल कलित, जहां सोड़ित मायनी, सोड़ित मतलब खून पीप आदि से बनी हुई नदी, जहां क्रिम कुल छोटे छोटे जीव मकोड़े कीड़े आदि बिलबिला रहे हैं, उसमें प्रवेश करते ही इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है जैसे अपने कटे हुए स्थान पर नमक मिर्ची डाल दी जाए, वेदना होती इतनी वेदना होती है। सबसे पहले नंबर तहां भूमि परसत दुघसो बिच्छू सहस दसे नहीं तसो, तहां रात सोड़ित मायनी क्रिम कुल कलित देह दायनी, फिर सेमर तर दुजत्र असि ज्यो देह बिदारे तत्र मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था है, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पर एक नबूंद लहाए, आगे सुना दिया, 1000 बिच्छू यहां डंक मार दे उतनी वेदना नहीं होगी, वहां मिट्टी के स्पर्श करने मात्र ही होती है, इतनी विषाक्त होती है, विष तीखी होती है, इतनी दुर्गंध होती है, सब जीव मर जाएंगे, इसलिए थोड़ा समझो कार्य कार्य को समझो, नहीं समझता वो सम्य दृष्टि नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना इसका विवेक भी लगाना चाहिए, कहाँ क्या करना कहाँ क्या नहीं करना इसका विवेक होना चाहिए, विवेक शून्य व्यक्ति सम्य दर्शन से रहते हैं। कार्य कार्य से असेयम श्री असे, कल्याणकारी क्या है, कल्याणकारी क्या है मतलब ही नहीं, कुछ लोग समय निकाल करके जितना समय मिलता है उसमें समय बहुत से लोग पूछते बोले क्यों भैया क्यों नहीं आते, महाराज क्या करूं व्यापार में इतना व्यस्त हूं, दुकान में इतना व्यस्त हूं कि समय नहीं मिलता, और मैं एक बात कहता हूं ग्रस्तों को समय मिलता नहीं है,
बोले भैया ग्रस्तों को समय मिलता नहीं है, क्योंकि ग्रस्ती ऐसी है, पर विश्वास करना समय निकाला जाता है, वही तो ज्ञानी होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,